हेलो गाइस, वेलकम इन रियल कोरियन क्लास। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखें गाइस, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, आन थुंगसा के साथ लगता है ना, वर्ब के साथ, जो कि नेगेटिव वे में हमारे को बताता था, नेगेटिव सेंटेंस बनाता था। तो आज हम उसी का सेम रूप है एक और, उसको हम पढ़ेंगे गाइस। दोनों सेम है, लेकिन जो पहले वाला जो आन था उसको ज्यादातर हम बोलने में यूज करते हैं, और जो आज हम पढ़ेंगे उसको हम ज्यादातर लिखने में यूज करते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या है वो। तो वो है हमारा थुंगसा प्लस जी आन था। थुंगसा क्या है? वर्ब, क्रिया। क्रिया के साथ क्या लगाना हमारे को? पीछे जी और उसके बाद आन था। तो सेम नेगेटिव वे में बनाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बनाएगा, बस ज्यादातर क्या है, फर्क क्या है, उसको हम बोलने में यूज करते हैं और इसको हम लिखने में यूज करते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि फीगा वायो, उसी को देखते हैं हम। फीगा वायो, तो ये हमारा क्वेश्चन था फीगा वायो, लेकिन अब हम इसको चियान था कि उसमें देखेंगे कैसे बनेगा। फीगा उजी आनायो, फीगा उजी आनायो। देखो मैंने क्या बोला है, थुंसा। तो थुंसा इसमें क्या है? ओदा, ओदा थुंसा है गाइस। ओदा हमारी वर्ब है इसमें, आना। ओके, तो ओदा का हम ता हटाएंगे और उसके साथ क्या लगाना है हमारे को? जी, तो उजी। और फिर आंथा के साथ हम क्या लगाएंगे पीछे? आयो, ओयो या फिर संविदा मिला। ओके, तो इसको हम अगर हम संविदा के उससे बनाए तो कैसे बनेगा? फीगा उजी आंसमिदा, फीगा उजी आंसमिदा और फीगा उजी आनायो, सेम है, बिल्कुल सेम सेम है दोनों। लेकिन इसमें हमने क्या लगाया है? आयो ओयो लगाया है पीछे, और इसमें हमने क्या लगाया है? संविदा और दुमिदा। तो फर्क बस क्या है? आयो ओयो संविदा मिदा। अब ये आपको नहीं पता है कि संविदा और आयो ओयो क्या होता है, ये हरदम वर्ब के पीछे लगते हैं गाइस, वर्ब के पीछे लगते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूं, तो ऐसे ही इस खाता हूं को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इस आयो ओयो का ही यूज करते हैं, संविदा मिदा का यूज करते हैं। तो गाइस ओजी आनायो, क्योंकि आंथा भी क्या है? एक रूट वर्ब है, देखो पीछे ता लगा हुआ है, लेकिन हम ता को क्या करेंगे? हटाएंगे ता को, फिर देखेंगे फाचिम है या नहीं। फाचिम नहीं, फाचिम है, तो फाचिम है। और फिर देखेंगे कि इसमें भाई वोवल आ है, तो मैंने क्या बताया था आपको? आ है, तो क्या लगाएंगे हम? आ, तो आनायो। ओके, और संविदा वाले में क्या बताया था मैंने? फाचिम है तो संविदा, और नहीं है तो ब के साथ सीधा नीदा। ओके, अब एक और देखते हैं हम, जैसे कि हाक्यो, हाक्यो है खायो, क्या है? हाक्यो है खायो। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। क्यों है खायो, तो इसके साथ अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? क्यों है खाजी आनायो, स्कूल में नहीं जाता। ये सब हम किस में यूज करेंगे गाइस? प्रेजेंट टेंस में। अगर हम इसको पास्ट में बनाना है, खाजी आना सोयो, ये हो गया पास्ट में। बस हमारे को ये पीछे वाला चेंज करना है, आना सोयो। फ्यूचर में खाजी आन को ये यो। एनीवे, अभी तक हमने फ्यूचर टेंस पढ़ा नहीं है, ये हम जल्दी ही पढ़ने वाले हैं गाइस। को ये यो मस फ्यूचर में पढ़ेंगे गाइस, इसको हम फ्यूचर टेंस को फ्यूचर में पढ़ेंगे। और अभी आपको क्या ध्यान रखना है जो है वो है गाइस, हमारे को सी आन था कैसे यूज करना है। तो आन और जी आन में हम अगर डिफरेंस देखें, देखो आन क्या करता था? थुंसा के पहले लगता था, जैसे कि
가지 않아요. 레킨 यहाँ पे अगर मैं आन से बनाऊ तो अन गायो, तो ऐसे बनता था गाइस। लेकिन यहाँ पे क्या बनता है, उल्टा है। यहाँ पे क्या आता था, आन में क्या होता था, आन इसके पहले लगता था थुंसा के, लेकिन जी अंत में क्या है, ये जी किसके साथ लग गया, थुंसा के साथ, ताक उठा के जी थुंसा के साथ लगा के फिर आनायो, इस जी आनायो, आनायो जी आनायो, ये आनायो का मतलब नेगेटिव है, ची आनायो खाजी आनायो, मतलब खाजी आनायो नहीं जाता, आंगायो नहीं जाता, सेम है दोनों। एक और मैं आपको बस बताता हूं गाइस, उन्दोंग जांगे सारामी मांची आनायो, क्या मतलब इसका, उन्दोंग जांगे मतलब कि जो हमारा एक्सरसाइज रूम है या फिर ग्राउंड वगैरह है, उन्दोंग जांग जो ग्राउंड है, सारा मतलब आदमी, उन्दोंग जांग ग्राउंड में आदमी, मांची आनायो, मांची क्या था, ये क्या था, मान मानथा, ये मानथा एक वर्ब थी हमारी, उसको हमारे तय हमने हटाया, ता हमने हटाया और उसके साथ हमारे क्या लगाया जी, तो मांची आनायो, अंथा हमने बना दिया आनायो, तो ग्राउंड में आदमी ज्यादा नहीं थे, मतलब बहुत सारे ज्यादा नहीं थे, तो मांची मानथा का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मानथा का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और आनायो तो हमने क्या बना दिया इसका नेगेटिव, तो मांची आनायो। एक और बना के देते हैं, फाबल मुक्ता, क्या है फाबल मुक्ता, खाना खाना, लेकिन ता को मटाई क्या करेंगे, फाबल मुक्ची आनायो, फाबल मुक्ची आनायो, मतलब मैं खाना नहीं खाता। ओके गाइस, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा गाइस, जी अंथा और आन में क्या फर्क है, कैसे इसको लिखते हैं, आन को आन वर्ब से पहले आता है और जी अंथा वर्ब के बाद में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है गाइस, जैसे आन में था हादा से जो खत्म होती थी उनके साथ हम क्या लगाते थे, बीच में लगाते थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें जैसे कि यहां पे हम देखें सारांग हाजी, तो उसका ता ता हटाएंगे हम बस, ता, तो सारांग हाजी आनायो, मतलब प्यार नहीं करता, सारांग हाजी आनायो। एक और बना के देखते हैं, छुआ हाजी आनायो, तो जो हादा से जो खत्म होती है गाइस उसका ता मटाएंगे और हा के साथ क्या लगाएंगे, हाजी, ऐसे हाजी आनायो। उसके जो आगे जो भी है उन्दोंग संचेक जो भी है गाइस, वो हम उसके साथ ऐसे बना देंगे, जैसे छुआ हाजी आनायो। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि आपको बीच में लगाना है, क्योंकि ये एक तरह से बाद में लगने वाला है, इसके बीच में हम कुछ नहीं लगा सकते, तो ये एक पेयर में चलता है हरदम, जी आनायो, ये हरदम पेयर में चलता है, इकट्ठा चलता है, ये इसके आगे हमारे को लगाना है जो भी कुछ लगाना है। ओके, तो गाइज आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, तो अगर आपको गाइज वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है, तो गाइज एक लाइक ज़रूर दें वीडियो को, और जितना ज़्यादा उसके अपने दोस्तों में, अपने जो भी आपके इधर उधर जो कोरियन सीखने वाले जो हैं भाई हैं या बहन हैं, तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइज। ऐसे ही अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हम कोरियन लैंग्वेज में टीचर बन जाएंगे, तो आप भी मेरे की तरह ऐसे ही सिखाओगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।